खजल हो रहे हैं उधर जो बिजली की बिजली कोई नहीं है, वो क्या है, क्या है वहाँ पे? नहीं 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 अच्छा मुझे बात सुनाए, तेरह अभी पता नहीं 12 या 13% उनका ग्रोथ रेट आया है, 13 से ज्यादा है। और कितने अच्छे चढ़ रहे हैं, ये कौन लोग सन वाले साथ, किन किन लोगों के हम बाजे बजाते हैं और ढोल बजाते हैं, ढोल बजाते रहते हैं वो बताए ना। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत की जीडीपी देखकर पाकिस्तानी मीडिया रोने लगा और कहने लगा कि भारत आज 13.5% की जीडीपी लेकर अपना विकास कर रहा है, वहीं पर पाकिस्तान है कि एक एक रुपए के लिए तरस रहा है, जहां पर बाढ़ के कारण पाकिस्तान की जीडीपी पूरी तरह तहस नहस हो गई। पर यह एक बहाना ही है, क्योंकि बाढ़ से पहले भी पाकिस्तान की जीडीपी कोई अच्छी नहीं थी, क्योंकि पूरा मुल्क आईएमएफ के लोन के ऊपर चल रहा है, जहां पर आईएमएफ है कि अपने इशारों के ऊपर पाकिस्तान को नचा रहा है, जैसे चाहिए जैसे पाकिस्तान आईएमएफ के इशारों पे नाचता है। अभी तो इतने बुरे दिन आ गए हैं कि पाकिस्तानी मीडिया अब पाकिस्तानी लोगों को भारत का उदाहरण दे रहे हैं। पाकिस्तानी एंकर ने यह कहा कि अभी हम जहां पर बैठे हैं वहीं पर आलू 200 रुपया किलो और प्याज 300 रुपया किलो मिल रहा है, वहीं पर 70 किलोमीटर पार जिसका मानना था भारत के पंजाब में, वही आलू और टमाटर 25 रुपया और 70 रुपये के भाव से मिल रहा है, जहां पर भारत के पंजाब में 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री है और पाकिस्तान में है कि इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं आ रही है। पाकिस्तान को पंजाब का ज़्यादातर हिस्सा मिला था आज़ादी के टाइम पर, वो उसका इस्तेमाल अच्छी तरह नहीं कर पाया जैसे भारत कर रहा है। भारत का पंजाब पूरे भारत को वीट सप्लाई करता है। यही सब देखकर पाकिस्तानी एंकर बोला कि हमें भारत से कुछ तो सीखना चाहिए, क्योंकि हम भारत से हमेशा लड़ने की बात करते हैं, इसके बदले हम कुछ सीख लेते तो अच्छा रहता। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। $15 बिलियन का इसे फ्रेश वाटर कहते हैं, ये जाया हुआ है जो सोना था है एक तरफ, ये डैमों से हम इसे बचा सकते थे। और दूसरा, डैम क्यों नहीं बनाना, क्योंकि भाई फर्नेस से जब हम बिजली बना के माल कमाते हैं, फिर दोबारा दोहरा दूं, फिक्रा दोहरा दूं, साबिक वजीर बराए पानी और बिजली मेरे प्यारे ख्वाजा आसिफ साहब का, आपको बहुत अच्छा लगता था, ये बिजली नहीं बन रही, ये डे लाइट राबरी हो रही है, ये डकैती बंद सिर्फ उस सूरत में हो सकती है कि यहाँ डैम बने और पानी से हम यहाँ कम अज कम 1,00,000 मेगावाट बना के पूरे साउथ एशिया में हम बिजली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मगर नहीं। दो नंबर पैसे, याद है इरफान अली साहब की स्टोरी, उन्होंने पैसे रोक दिए थे दो नंबर आईआईपीपी के, अगले दिन उनकी ट्रांसफर हो गई थी। तो ये अच्छा, मसला है। अच्छा, थोड़ी सी एक रियलाइजेशन आई है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं वजीर आजम को सुन रहा था, वो भी आज पहली दफा उन्होंने भी कोई सोलर दिमाग को लगा कि 10,000 मेगावाट हम वहाँ से बता सकते हैं। आपको याद है हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमने चट्टा साहब जो वापटा से रिटायर्ड है, उन्होंने बड़ी सिंपल सी बात की, उन्होंने कहा अगर आप ये जो लोगों को बिजली के बिल के अजाब में फंसाए हैं, ये हुकूमत लोगों को आसान छोटे कर्जे दे, जो आम हम जैसे जो मेहनती लोग हैं आप उनको कर्जे दें, वो जनाब सोलर एनर्जी लगे और वो जो अपना कर्जा जो है ना बिल की सूरत में वापस कर दें। तो उनका कहना था कि पाकिस्तान में आप 5 साल में बिजली मैं नहीं कर सकते। एक लीड देता हूँ, स्टोरी आप चेक कर लीजिएगा, पता करें कि ये जो सोलर का आया है, अब ख्याल आया है, देर आया दुरुस्त आया, इसका ठेका किसके पास है? नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, इस पर क्या कहानी है, कोई बस को कहानी है, मैंने इतना बता दिया, ये पता कराएं। यहाँ पर तो वेस्पा वाला वेस्पा का लगाने आता है ना कारखाना, तो हम उसे क्या कहते हैं, मेरा बिच कितना कट है, ये किसने कहा था, मैं इसको भी कैसे डरा रहे कि देखो जी महंगाई बर्दाश्त करो, चुपचाप बर्दाश्त करो, चुपचाप टैक्सों का बोझ उठाओ, महंगी बिजली के बिल भरो, महंगी गैस खरीदो, लेकिन शिकवा ना करना, गिला ना करना, वरना श्रीलंका की तरह मुल्क दिवालिया हो जाएगा। ये हमारे वजीर खजाना, सुना क्या बातें कर रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से गलत बात नहीं कह रहे, किस तरह मिफ्ता इस्माइल साहब गलत नहीं है, ठीक कह रहे हैं कि अगर ये हुकूमत रही तो वाकई श्रीलंका जैसी हालत हो जाएगी। इस हुकूमत से बेहतरी की उम्मीद ना करना, इनसे बेहतरी की उम्मीद मेरे ख्याल से कोई पागलपन है। एक तरफ आईएमएफ की रिपोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के बयानियों को बकायदा मुस्तरद किया, और दूसरी तरफ इमरान खान का बयानिया फिर दुरुस्त साबित हो गया। आईएमएफ ने इमरान खान के जल्द अज जल्द इंतखाबात के मुतालबे पर मुहर सब कर दी है,
आईएमएफ की रिपोर्ट में पाकिस्तान की खराब जो माशी सूरत हाल है उसकी सबसे बड़ी वजह कमजोर हुकूमत को करार दिया गया है। दो वोटों पर खड़ी इस हुकूमत के होते हुए मुल्क की माशी और इक्तिसादी बेहतरी क्या मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन नहीं है, हरगिज नहीं है। ये मैं नहीं कह रही, किसी भी माशी इक्तिसादी एक्सपर्ट से पूछ लें आप। इक्तिसादी तरक्की के लिए आपको पता है सबसे ज़रूरी क्या होता है? सियासी इस्तेकाम है। इस वक्त हमारे मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं है ना, और यही बात इमरान खान कह रहे हैं कि मुल्क को सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत है, ना सिर्फ ज़रूरत बल्कि अशद ज़रूरत, फौरी तौर पर इस्तेकाम होना चाहिए। और वो कैसे होगा? इंतखाबात से ही होगा। मौजूदा हुकूमत आज गिरी कल गिरी, ऐसी सिचुएशन ऐसी सूरत हाल से दो चार है। इंतखाबात की सूरत में 5 साल के लिए मुंतखब हुकूमत को इकतदार मिल जाएगा जो यकीनी तौर पर सियासी इस्तेहकाम का बाइस होगा, लेकिन ये मुस्लिम लीग नून समेत हुक्मरान इतिहाद में शामिल किसी जमात को गवारा नहीं। ये इकतदार में रहकर अपने आप को NRO2 देने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। इन्हें अवाम के दर्द से ज़्यादा अपनी करप्शन के पैसे बचाने की फिक्र, अवाम के दर्द से कोई सरोकार नहीं है। अवाम की टेंशन, अवाम की परेशानी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें अपने ऊपर से मुकदमात ख़त्म करवाने की फिक्र है। इन्हें अवाम के दुख दर्द का कोई एहसास नहीं है। हमें सब्र करना है, जिद्दोजहद करनी है, मुसलसल मेहनत करनी है, गाफिल नहीं होना है, साथ नहीं छोड़ना है, सहारा बनना है। कुछ शरीफ आदमी अगर चाहे कि मैं सोलर ले लूँ, सिस्टम लगा लूँ, तो जो हमारे सरकारी महकमे जो वाटर बिजली वाले वो कहते हैं वो इतनी रुकावटें पैदा करते हैं कि वो सिस्टम नहीं चलने देते। वजीर आजम कह रहे हैं हर जगह हिस्सा पहुँचता है, मुनज़्ज़म निज़ाम है यहाँ पर, मुनज़्ज़म बिल्कुल मुनज़्ज़म निज़ाम है यहाँ पर। इंडिया में आपको आके पैसे देते हैं कि सोलर लगाओ और रिवर्स मीटर लगा के देते हैं कि जो बिजली बढ़ जाए। और फिर यार और शर्म से डूब मरो, ये इंडिया, यहाँ पे इंडिया चंद किलोमीटर दूर 300 मेगावाट जो है, सॉरी मेगावाट कह रहा हूँ, 300 यूनिट जो है वो फ्री में दे रहे हैं, और तकरीबन जो इंडियन पंजाब है वहाँ के 80% लोगों का कोई बिल नहीं है बिजली का। अच्छा इंडिया में हम किसी हथे चढ़ गए हैं। आपने चंद किलोमीटर की बात की, तकरीबन मैंने 40 किलोमीटर होगा मेरे साथ यहाँ से, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। वहाँ पे अगर आप बात करें ना कि मैंने सोलर लेनी है, तो आपको बैंकर आ जाता है जहाँ मेरे से, जो मैंने बात कर्जे की किया, कर्जा लेने और हुकूमत सब्सिडी देने आ जाती है। और इस वक्त आप अगर देखें ना, हमारा जो पाकिस्तानी पंजाब है ये इंडियन पंजाब से 3 गुना बड़ा है, यानी कि हमारे मुकाबले में इंडियन पंजाब 1/4 या 1/3 है। वो 1/3 पंजाब जो दुनिया की 1/5 पॉपुलेशन है इंडिया, उसको पूरी को गंदम दे रही है, कनक दे रही है। और जो हमें कहानियाँ सुनाई गई थी ये पंजाब है यहाँ पे वो जी, ये तो एग्रीकल्चर है। और पाकिस्तान को इस वक्त क्या हमें मसला पड़ा हुआ है, ये भी सुन लें कि यार अगर यूक्रेन की लड़ाई ख़त्म ना हुई तो हम कहाँ से डॉलर लेके गंदम लाएंगे। ये पंजाब जो 3 गुना बड़ा है हमारा मसला हो गया, हम गंदम नहीं कमा बना पा रहे। और वो इतना सा पंजाब है, वो जनाब पूरे 1 अरब से ज़्यादा लोगों को गंदम दे रहा है। वेयर वी आर रॉन्ग राजी, मुझे एक बात समझाए ना, ये कुछ कोई तो मसला है कि मैं इधर से जाता हूँ। आजकल टमाटर कितने का है आज? वो 300-200 रुपये, 200 प्याज 300 रुपये और 400। 41 किलोमीटर परे जाएँ तो 70 रुपये का हो जाता है। तो ले आइए, मैं ले आओ, मुझे अल्लाह बता देते मसला क्या है। यहाँ पे बिजली का बिल लेके लोग जगह जगह खजल हो रहे हैं, उधर जाओ तो बिजली के बिल ही कोई नहीं है। वो क्या है वहाँ पे?